47 है कि ना आरएसएस रहेगी ना ईवीएम रहेगी। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है ये जयमान भ्रष्ट सरकार। अगर हमारे संविधान के साथ में छेड़छाड़ होगी तो कुछ नहीं बचने का। सबसे बड़ी तो बात यही हमें लगी, सब इस सरकार को सब मिलकर लड़ाई लड़ी जाएगी इसके साथ। भाई कोई नहीं सोचता होगा हम बच जाएंगे, हम बच जाए कोई नहीं बचता। एक वह दुकान हो नहीं जी मुर्गू की दुकान हो उसमें घाट चला जा, वो मुर्गो कहते हैं सर दुकानदार को भाई पकड़ जा, वो मुर्गा पकड़ लिया दूसरे लोग कहने पर मारी जान बच गई, दूसरा घाका होगा उसे भी पकड़ने कहने पर आ जा सांझ लोग सारे मुर्गू का वार आ जा। तो इस सरकार में सबका वार आ जा, कोई नहीं सोचता हो हम हमारी जान बचे किसी की नहीं बचती। बस सही। देखो हम बिल्कुल हकीकत बता रहे भाई, अपना भेदभाव भुला के सब समाज की जरूरत है, हो सके कि निमुट्टी कुछ बातचीत हो जाएगी। वैसे इस समाज के साथ में जज साहब है हमारे मनोज जी, इस समाज के साथ में बड़ी अनदेखी हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं। कितनी बात इनकी जमीन, आप लोगों की जमीन अगर कोई खरीदता हो तो बहुत मंदी ली जा, वे खुलकर सौदा भी नहीं कर सकते। कहने में तो दलित की जमीन है, इसमें तो बहुत झंझट पड़ गए, पहले उसके नाम होगी जिसके 18 भी गए फुलाना दिखना, मतलब जो जमीन बिल्कुल थोक बजा के बेचे, जो 4 लाख रुपए की जमीन है वह 2 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए में बेची जा रही, इस समाज की बड़ी अनदेखी है। इसमें कोई वो नहीं है बातचीत, हम यहां से लोग कहें नरेंद्र भाई बिल्कुल हकीकत बता रहे हैं आप लोगों को, सब समानता की दृष्टि से देखना चाह। इस समाज का बहुत योगदान है इस देश के विकास में, हम आपको यही कहें। जज साहब है उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात बताई, गौतम जी विधायक है उन्होंने भी बात बड़ी अच्छी बताई, बहुत अच्छी तरह से सुनी। पहले तो हमें नहीं पता लगा पंचायत है कहीं की, एक बार हम शराब के ठेके का उद्घाटन में चले गए भाई, बड़े जल्दी में थे बाबे कहने बा हम नहीं एक बार वहां चलना बा, हमें जी भी लोग भी नहीं पता बा शराब का ठेका आई ठेके का उद्घाटन है बा हमन पमन में आउती दे दी, मगर कहीं की है यार कहने सर आपका ठेके का उद्घाटन है, मगर तुम बता तो देते पहले भाई कुछ याद तो कर देते क्या कहना क्या नहीं। तो वह कहने बाद दो सब तम भी कहो कुछ बोला, चलो कह देंगे हम, कहने भाई बात पीते पाते तो हम है नहीं, पर जो कोई पीने वाले उन्हें कहेंगे बात बहुत बढ़िया मिले वहां से बात के वहां चले जाए तो दुकान नवी खुली। तो इसका यह संविधान बचाने की यहाँ से हमें पता नहीं था कहीं कि वह पंचायत है कुकर है, पर वैसा आप लोगों की बहुत बढ़िया आवाज है, अगर हमारे संविधान के साथ में छेड़छाड़ होगी तो कुछ नहीं बचने का। मैं आप लोगों को यही कहूँ भाई, धन्यवाद दे हम जज साहब को मनोज जी को धन्यवाद दे जिन्होंने बड़ा अच्छा संचालन कराया, वहाँ से गाजीपुर बॉर्डर पर भी रहे इनके साथ में, वहाँ से भी हम तो नहीं कहे भाई बहुत ताकतवर सरकार है भाई, इसके साथ में सब मिल चिल गई पूरा पार्षद। जय हिंद जय भारत जय भीम। बहुत बढ़िया टिकेश साहब, मायूसी आ गई थी हम लोग हंस लिए, मजा आ गया, बैठो। देखिए देश को बचाने के लिए अगर संविधान है, अगर देश के अंदर आईन है, अगर संविधान जिंदा है तो हम जिंदा हैं आप जिंदा हैं, और संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है साथियों, अगर संविधान को नुकसान होता है तो हम आप सब कहीं के नहीं रहेंगे, और उसके लिए आज ईवीएम इनके पास है, आज सरकारी मशीनरी इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। एक मेरी एक छोटी सी अपील है कि यहां दलित समाज और पिछड़े समाज और मुस्लिम समाज के काफी लोग यहां भारी तादाद के अंदर यहां सुबह से मौजूद थे,
आपके पास एक हथियार है, आपके पास एक ऐसा वेपन है, एक ऐसी AK-47 है कि ना RSS रहेगी, ना EVM रहेगी, ना कुछ रहेगा। साथियों, दलित समाज, पिछड़ा समाज और मुस्लिम समाज के लोग एक भाईचारा बना ले 2024 से पहले पहले, ये लोग कहीं देखने के लिए आपको नहीं मिलने पाएंगे साथियों। और जब आप भाईचारा बनाएंगे, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग और पिछड़े समाज के लोग जब एक मंच पर आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, तो साथियों जरूरत ही नहीं पड़ने की है, ये कहीं 2024 के चुनाव में कहीं देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। और एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि जब आप भाईचारा बनाएंगे तो ये लोग खिलाफ होंगे आपके, तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे, तरह तरह के प्रोपेगेंडे अपनाएंगे। साथियों, एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है। और हमें भी पता है कि मुखालिफ सातिर बहुत है, पर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। केवल दो बात मैं कहना चाहता हूं, सब सम्मानित लोगों ने जो बात कही वो हमने सुनी, आप लोगों ने सुनी। अभी हाजिर के योग आदमी एडवोकेट साहब ने जो बात कही उस बात का सार है, और ये लड़ाई विचारों की है। जन साहब किसी विचार उसके तहत आज इस लड़ाई में अपने पद से कूदे, ये त्याग जो उनने किया है ये विचारों से किया है। उनने कोई नेता चुना होगा, उनने कोई विचारधारा सुनी होगी, ये विचारों की लड़ाई है। और ये विचारों की लड़ाई ये जनता लड़ती है। अंबेडकर जी ने आपकी लड़ाई लड़ी थी तो विचारों से लड़ी थी, और विचारों की लड़ाई जब लड़ता है आदमी उसको बहुत सारी बाधाएं आती है, और वे बाधाएं अक्षणिक होती है। आपने अपने जीवन में पता नहीं कितनी लड़ाइयां लड़ी हो, हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, पर एक बात कहना चाहता हूं खुले मन से, जो आज मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं, जो हमें समाजवादी पार्टी के लोगों को जो नेतृत्व मिला है, चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ और हर बिरादरी की बात सुनने वाला जिसके अंदर हर दर्द है, तो उसका नाम है अखिलेश यादव। अंबेडकर की लड़ाई को आज जो लड़ने का काम कर रहे हैं तो उसी की विचारधारा है। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को जलाने को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका नाम अखिलेश यादव है। और गरीब और अमीर, पीडीए का फार्मूला किसने दिया देश को? अखिलेश यादव ने। और दोस्तों, एक बात चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, विचार कर लेना, विचार करने से ही लड़ाई होगी। ईवीएम की बात आदरणीय एडवोकेट साहब ने कही, बात सच्ची है, और सच्ची बात मनवाने के लिए संघर्ष का रास्ता और जनमत का रास्ता होता है। पीडीए की जनसंख्या आप निकाल कर देखना 85% होती है। पीडीए का फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, अल्पसंख्यक भाई, मुस्लिम भाई, दलित भाई और पिछड़े भाई। आप गुणा भाग करके देख लो संख्या कितनी है, 85%। कितना बचा? 15%। और 15% से पूर्ति करते हैं जो आदरणीय एडवोकेट साहब ने बताई उस ईवीएम से, और यह पूर्ति करते हैं। अभी नरेश टिकैत जी ने बताई थी कि तुम्हें कोई मांस का टुकड़ा देगा, कोई पौवा देगा, बस दो बातों से बचना है। मैं अपनी बात बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। एक तो लालच में अगर आप नहीं आए, वोट आपने बनवा लिया, वोट की रक्षा कर ली, ये बेईमान भ्रष्ट सरकार केवल बेईमान पे यकीन करती है,
और आप लोग यहाँ सब ईमानदारी के प्रतीक हो। यहाँ लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं और जिम्मेदार लोग बैठे हैं। आने वाला समय 24 की लड़ाई, अगर आपको संविधान बचाना है, संविधान में आपकी रक्षा, आपके बच्चों की रक्षा है, आपका सम्मान है, और अगर अपने बच्चों के लिए, अपनी औलादों के, अपने नस्लों के लिए, अपने लिए इस संविधान को नहीं बचाया तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, जाट हो, सैनी हो, गुज्जर हो, मुसलमान हो, हमारा दलित भाई हो, केवल हमारी रक्षा संविधान करता है। और संविधान बनाया था अंबेडकर जी ने, इन महापुरुषों ने त्याग किया, और महापुरुषों को सम्मान के लिए, उस संविधान को बचाने के लिए आपने कसम खाई है। तो केवल आज यही बात मैं कहना चाहता हूँ, मनोज कुमार जी भी आपके पास में आए हैं, अपनी नौकरी छोड़कर इस संविधान की रक्षा के लिए आपके भरोसे आए हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।